पर जाकर कोई नेशनल हाईवे के बंद करते और कोई चारने दे रहा है यार। सीधी सीधी गल कर कर मेरे गन्ने मैं कुछ होता है बंदे ही अरे सुनाएगा मैं यार सीधी सीधी गल कर कर मेरे गन्ने मैं कुछ होता है बंदे ही अरे सुनाएगा यार सीधी सीधी गल कर कर मेरे गन्ने मैं कुछ होता है बंदे ही अरे सुनाएगा मैं। हेलो हेलो अक्षय साहब नमस्कार। क्या हाल चाल है? ठीक हो? सर मैं वो बोल रहा पवन कुमार ने कल तुम्हारे को लाया डेपुटेशन लिए सर कल फिर वो आए नहीं थे स्पॉट उपर अच्छा बेट कुदर कुदा अच्छा उपर गए कि नहीं गल कोई होनी ही मकसद अगर स्पॉट उपर जंदे ना उन्हें पूरी सच्चाई सामने आई जानी ही सारा उनका बैग निकली जाना। देखो सर चीजें सर देखो जिन्हें दो चार लोगों ने थोड़े डिपार्टमेंट ने लिंक रखे था उनके घर गया से रखी दी तीन तीन लाइना बनाई दी। अच्छा उस डर दे वजह ने उस पार्ट ऊपर नहीं जा रहे। देखो सर अगर थोड़ा एक इम्प्लाइज है तो अगर उनका कोई खास बंदा है कोई अगर कोई अगर कोई रिलेशन है उनके घर चार चार लाइना बना रही है और आम लोग कैसे कुछ भी नहीं है साढ़े मतलब आपको कुछ के खिलाफ नहीं है। बिना पानी दे स्टोरेज बना दे। ठीक है सर ठीक कोई गल नहीं ठीक है। मेरा नाम पवन कुमार है और पंजर का रहने वाला हूँ। जे आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इसके लिए पहले तो आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो जब भी हम आपको बुलाते हैं तो आप हमारी न्यूज़ को कवरेज करने के लिए आ जाते हो। आज का मेन विषय ये है कि परसों भी आपने हमारी एक न्यूज़ कवरेज की थी हमारा एक कम से कम 35-40 लोगों का डेपुटेशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर मैम से मिला था और वो था JJM जल जीवन मिशन स्कीम के तहत जो हमारे इलाके में काम हो रहे हैं। तो जब उन्होंने वो हमारा मेमोरेंडम उन्होंने फॉरवर्ड करके हमें भेज दिया बाई हैंड भेज दिया नीचे एक्शन साहब के पास। जब हम एक्शन साहब के पास गए तो सबसे पहले तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि हमें कोई एक घंटा खड़े रखा बाहर। फिर अंदर से एक लड़का आता है हमें पूछता है कि आपके साथ सरपंच आया है। तो हमने कहा तो हमारे साथ दो पंच थे। एक पंच ने बोला कि नहीं सरपंच नहीं आया लेकिन हम दो पंच आए हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़का और आता है और वो हमें पूछता है कि हमें बोलता है कि आप ऐसा करो एक दो आदमी जहाँ पर रुको और बाकी वाले नीचे चले जाओ। तो तब मैंने उनको कहा कि नीचे नहीं जाना है हमें हम सब इसलिए इतने दूर 50 किलोमीटर दूर से हैं हमें एक्शन साहब से सबको मिलना है। तो चलो उसके बाद हम एक्शन साहब के पास गए अपनी परेशानी बताई। हमने बताया कि जो जो भी हमारी परेशानी थी कि सब स्टैंडर्ड मटीरियल हमारी स्कीमों को लगाया जा रहा है और जिस स्कीम का मेन इशू था। तो एक्शन साहब ने हमें तुरंत उसी समय हमें तो लगा कि अच्छा स्टेप लिया उन्होंने WA साहब को उन्होंने बोला कि मैंने ऑर्डर कर दिया लेकिन ऑर्डर कापी हमें दी नहीं लेकिन फ़ोन किया कि आप 4:30 बजे जो है वो चौरा दबर स्पॉट पर पहुंचो। तो वहां पर इशू यह था कि वो एक टैंक बना रहे हैं लेकिन वहां पर पानी का सोर्स कोई नहीं है।
हमारा ये पूछना था कि वो सोर्स लगाना कहाँ से है। वहाँ पर एक पुराना सो लगा हुआ 1980 की लाइन लगी हुई, कहीं ये तो नहीं है कि एक मोहल्ले को पानी बंद करके कहीं पर और लेना है, और ना ही हमें पता है कि जो नया टैंक बना रहा उस बना रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि इसका पानी देना किसको है, तो वो भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा चलो कि डब्ल्यू साहब जे ई हमारे और सुपरवाइजर हमारी जो टीम है 4:30 बजे पहुँच रही है, तो हम वहाँ पर चले गए। हम सभी लोग गाड़ियों पर आए थे, लेकिन बस जहाँ से आने के 3-4 घंटे लगाती है, तो हमने 4-5 लोगों ने क्या किया, हमें एक सुमो गाड़ी स्पेशल की, 3,000 रुपया दिए उसको, और हम तुरंत ही वहाँ पहुँचे और 4:30 बजे हम स्पॉट पर पहुँच गए। वहाँ पर हमने लगभग 5:30 बजे तक वहाँ पर वेट किया, तो डिपार्टमेंट का कोई नहीं आया। तो जहाँ पर उनका जो एक लैंडमैन था उससे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि डबरे साहब तो 1 घंटा पहले से ही नीचे रोड में आए थे और रोड से वापस चले गए। जो हमारा स्पॉट था वो लगभग 2 किलोमीटर रोड के ऊपर था। तो चलो शाम को हमने फ़ोन नहीं किया, हमने वहाँ पर क्या किया कि हमने अपना वहाँ पर एक जियो टैकिंग वाले फ़ोटो बना दिए उस स्पॉट पे जो हम लोग गए हुए थे, कि कल की कहीं पर जे ना कहें कि जे लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे थे, हम गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमने वो लाइनमैन बोलने लगा कि उन्होंने बोला है कि कल हम आएँगे। तो कल सुबह जब लगभग मुझे एग्जिट टाइम का मुझे पता नहीं, लेकिन 10:30-11 बजे के बीच मैंने एक्शन साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा कि एक्शन साहब आपकी टीम वहाँ पर नहीं आई, तो वो मुझे बोलते हैं ना टीम गई थी, आप वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। तो मैंने कहा सर कहाँ गए थे, हम वहीं पर स्पॉट पर थे 4:30 बजे से लेकर। तो उसके बाद बोलते हैं कि वो नीचे किसी का उन्होंने नाम लिया, किसका नाम लिया एक बंदे का, उन्होंने कहा कि उसके पास बैठ। मैंने कहा उसके पास बैठने का फ़ायदा था, बात हुई थी स्पॉट पर जाना था, हमें आपको दिखाना था वहाँ पर जो आप टैंक बना रहे हो उसको मटीरियल कौन सा लगा रहे हो, वहाँ पर जो पाइपें बिछाई जा रही हैं वो क्या शेड्यूल के हिसाब से, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 फुट नीचे दबानी थी वो दबाई या नहीं दबाई है, उन लाइनों को बिछाने की ज़रूरत है या नहीं है, वो पानी वहाँ से कहाँ पर लेना है वो हमें बताओ। ऐसा तो नहीं है कहीं पर कि हमारे मोहल्ले के लोग बिना पानी के रहें और वो कहीं पर तीसरे मोहल्ले को पानी लेना है। जहाँ अगर कहीं पर हमने ये भी कहा कि हमारा किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, ये है कि वहाँ पर अगर पानी कम है, हमारी जो पुरानी स्कीम चल रही है उसमें हम और ऐड करते हैं किसी सोर्स को, हमारा ये मोहल्ले में है वहाँ पर सोर्स है तो उसको हम ऐड करते हैं, पानी ज़्यादा हो जाएगा और सभी कवर हो जाएंगे। लेकिन अक्षय साहब इतने में बोलते हैं कि जी फलाने ने ऐसा किया। तो मैंने कहा सर अब हमारे पास कोई चारा बचा नहीं है, हमने पहले आपके जेई को अप्रोच किया, फिर उसके बाद डब्ल्यू को साहब को अप्रोच किया, फिर 15 दिन बाद आपको अप्रोच किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं जा पाया, तो हम कल डी सी मैम से मिले और अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हम कहीं पर नेशनल हाईवे को बंद करके आपके खिलाफ नारे लगाएँ। तो इतने में वो मुझे इतनी धमकी देते हैं कि आपको कानून की पता नहीं, मैं आपको कानून दिखाऊं, आपको पता नहीं मैं किस किस्म का बंदा हूं। वही मैं आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मुद्दा है कि मैं अक्षय साहब को पूछना चाहता हूं कि आप किस किस्म के आदमी हो, आप करप्शन खाने वाले हो। अगर आपने करप्शन नहीं खाई, आपके डिपार्टमेंट ने करप्शन नहीं खाई, गलत नहीं हो रहा था, स्पॉट पर जाने के लिए आप डरते क्यों हो इतने? आप स्पॉट पर जाओ, अगर आपको डर है कहीं पर कि आपके पास पब्लिक कोई मिसबिहेवियर करती है। लेकिन मैं ये बता दूं कि हमारे इलाके की शरीफ लोग हैं वहाँ पर कोई मिसबिहेवियर नहीं करेगा। मिसबिहेवियर करना होता तो वो आपके जो वहाँ पर ठेकेदार लगे हुए, आपके एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, और मैं कहता हूं कि वो एम्प्लॉयज़ ही ठेकेदार हैं तो उनके साथ मिसबिहेवियर करते। हम आपसे अप्रोच लेकर रहे हैं कि शांतिपूर्वक शांति ढंग से हमारा भी मसला हल हो जाए। नल तो आप लगा रहे हो, गवर्नमेंट के पैसे तो आप खा रहे हो, 50% जो अमाउंट है वो भी ग्राउंड पर नहीं लग रहा है। हम यही आपको दिखाने के लिए वहाँ पर लेना चाहते थे, लेकिन चलो वो नहीं की। और उन्होंने मुझे इतना कहा कि कानून का आपको पता नहीं है। मैं अक्षय साहब को पूछना चाहता हूँ कि वही कानून मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप मुझे दिखाओ ना कौन सा कानून है। आप कौन से आपने जिस किस्म की मुझे धमकी दी, आप मर्डरिस्ट हो, आप स्मगलर हो, आप कर क्या सकते हो जिस किस्म को धमकी दी? मुझे तो शक है जगह पर ऐसा ना हो कहीं पर को चिट्टा जहाँ से डालकर मेरे घर में ना डाल दे। मेरे 3 जगह हैं, मैं 1 जगह पर रहता हूँ, 2 जगह मेरे खाली हैं, वहाँ पर कोई सामान ना डाल दे और मुझे अंदर करवा दें। क्योंकि जिस किस्म की उन्होंने बात की, ये हम फिल्मों में देखते थे कि बड़े बड़े गुंडे जो है ऐसे डायलॉग बोलते थे। और मैं अक्षय साहब को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये बात मैं किसी के सामने मैं रखना नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे जो मोहल्ले हैं वो ऐसी मोहल्ले हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ से पानी बाहर लिया जा रहा है। लेकिन उन ऐसी मोहल्लों के लिए जितनी भी स्कीमें हैं, मड़ीलेड़ वार्ड नंबर 7 है, वार्ड नंबर 6 है, वार्ड नंबर 5 है, वार्ड नंबर 3 जो है, 3 से भी 3 को पानी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ से उठाकर पानी और जगह पर लिया जा रहा है। ये किसी की बात सुनते क्यों नहीं है? हाँ, अगर उनको शक है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो हमारे मोहल्ले का 150-200 घर है सड़क के ऊपर का, जो जिन मोहल्लों का मैं नाम ले रहा हूँ, एक व्यक्ति को भी जाकर सेपरेट ये पूछें कि हम गलत हैं, लेकिन जो जाते क्यों नहीं है?
हमारा यह था कि स्पॉट पर जाए। हाँ, जिस किस्म की धमकी दी है तो इसका हमें खतरा हो। जे तो क्लियर हो गया कि ये बोटी रकम खाते हैं, अगर मुझ पर एफ आई आर लगाना चाहते हैं जे आज लगा दे। जे रहे, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं और जे कल के नहीं है।